दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने इस कहानी के पहले भाग में देखा था कि बुलबुल को अपना एक नया घर बनाना था, इसीलिए बुलबुल एक बड़े पक्षी से लकड़ियां लेकर आती है और अपना एक पक्का घर बना लेती है। एक उल्लू भी ये सारी बातें सुन रहा होता है और वे उल्लू चाहता था कि वे उल्लू भी इसी जंगल में रहे और वे उल्लू अपनी गुफा में चला जाता है। अब आगे की कहानी देखिए। क्या हुआ उल्लू भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? अभी तो तुम बहुत ज्यादा खुश थे, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतने उदास हो गए? उल्लू भाई, क्या बताऊं, मैं तो इस गुफा में रह रहकर तंग आ गया हूँ। इस गुफा में कितनी ज्यादा गर्मी होती है, मेरा तो इस गुफा में दम घुटता है। मैं अब इस गुफा में और नहीं रह सकता हूँ। आपको पता है कि सभी पक्षी कितने बड़े और सुंदर जंगल में रह रहे हैं। वे जंगल बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे भी उसी जंगल में रहना है। हाँ तो उल्लू, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है, हम भी उसी जंगल में रहने के लिए चलते हैं। वे पक्षी हमें मना थोड़ी करेंगे। वे सब पक्षी हमें जंगल में रहने से मना तो नहीं करेंगे, लेकिन हम सब उल्लू उस जंगल में कैसे रहेंगे? वे सब पक्षी दिन भर में कितनी ज्यादा आवाजें करते हैं, दिन भर वे चू चू करते रहते हैं। उनकी चू चू की आवाजों से हम सो नहीं पाएंगे। और हम उल्लू तो दिन में सोते हैं और रात में जगते हैं। उन पक्षियों के शोर की वजह से हम सब उल्लू अच्छे से सो नहीं पाएंगे। हाँ उल्लू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं तो कहता हूँ हम सभी उल्लू मिलकर जंगल के सभी पक्षियों को जंगल से बाहर निकाल फेंकते हैं। उसके बाद हम सब उल्लू मिलकर उस जंगल में सुकून से रहेंगे, कोई भी हमें तंग करने वाला नहीं होगा। हाँ उल्लू, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, अब हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो चलो उल्लुओं, हम सब उल्लू मिलकर जंगल के पक्षियों के पास जाते हैं और उनसे कह देते हैं कि सभी पक्षी जंगल से निकल जाएं। फिर सभी उल्लू मिलकर पक्षियों के पास उन्हें जंगल से निकालने के लिए चले जाते हैं। बाप रे, इतने सारे उल्लू, वो भी हमारे जंगल में। ये उल्लुओं की सेना आज हमारे जंगल में क्यों आई है? उल्लू भाई, क्या बात है, आज आप सब उल्लू मिलकर हमारे जंगल में क्यों आए हैं? मैं बात घुमा फिरा के नहीं करूँगा, मैं सीधे सीधे कहता हूँ कि तुम सब पक्षी इस जंगल से निकल जाओ, क्योंकि इस जंगल में आज से हम सब उल्लू रहेंगे, क्योंकि हम सब उल्लू गुफा में रह रहकर बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं। गुफा में बहुत गर्मी होती है, हम सब उल्लू आज से इसी जंगल में रहेंगे। तो उल्लू भाई, हमने मना कब किया है कि आप इस जंगल में ना रहें? आप सब उल्लू भी हमारे साथ इसी जंगल में रहें। नहीं चिड़िया, इस जंगल में सिर्फ और सिर्फ हम उल्लू रहेंगे और तुम सब पक्षी इस जंगल में नहीं रहोगे, क्योंकि हम सभी उल्लुओं को दिन में सोना होता है और तुम सब पक्षियों के शोर की वजह से हम सब पक्षी सो नहीं पाएंगे। इसीलिए चिड़िया, तुम सभी पक्षियों को लेकर इस जंगल से निकल जाओ। पर उल्लू भाई, हम इस जंगल को छोड़कर क्यों जाएं? हम तो इसी जंगल में रहेंगे, आपको जो करना है वो कर लो। देखो कौवे, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं तुम सभी पक्षियों को उठा उठाकर जंगल से बाहर फेंक आऊंगा। देखिए उल्लू भाई, ये तो आप दादागिरी कर रहे हैं। हम सब पक्षी अगर इस जंगल से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। यह सब मैं नहीं जानता हूँ, चलो चले जाओ यहाँ से, वरना हम सब उल्लू मिलकर तुम सभी पक्षियों को जंगल से बाहर निकाल देंगे। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो तुम हो। तुम यहाँ से चले जाओ और हम सब पक्षियों को तंग मत करो। उल्लुओं, ये सब पक्षी ऐसे नहीं मानेंगे, सब उल्लू मिलकर जंगल के पक्षियों को उठा उठा कर जंगल से बाहर फेंकाओ। फिर सभी उल्लू मिलकर जंगल के सभी पक्षियों को अपने अपने पंजों में उठाकर जंगल से बाहर फेंकने के लिए ले जाते हैं। सभी उल्लू मिलकर जंगल के सभी पक्षियों को उठाकर जंगल से बाहर लाकर फेंक देते हैं। तुम सब पक्षी मेरी बात कान खोलकर सुनो, अगर तुम सब पक्षियों ने दोबारा से
हमारे जंगल में आने की जुर्रत करी तो हम सब उल्लू मिलकर तुम सब पक्षियों को जान से मार देंगे। इतना कहकर वे सब उल्लू वापस जंगल की तरफ चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, ये सब क्या हो गया? मैंने कितनी मेहनत से अपना एक नया घर बनाया था और मैं तो उस घर में एक दिन भी नहीं रह सकी। इन उल्लुओं ने हमें इस जंगल से बाहर निकाल दिया है। इन दुष्ट उल्लुओं ने हमें इस सूखे इलाके में लाकर फेंक दिया है। अब हम इस सूखे इलाके में आखिर कहाँ रहेंगे? तुम सब बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम सब पक्षी मिलकर सामने जो गुफा है उस गुफा में चलकर रहते हैं। फिर जंगल के सभी पक्षी मिलकर गुफा की तरफ चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, इस गुफा में कितनी ज्यादा गर्मी है और ये गुफा कितनी ज्यादा छोटी है, हम सब पक्षी इस गुफा में कैसे रहेंगे? देखो पक्षियों, हमें कुछ दिनों की परेशानी उठानी ही पड़ेगी। इस जंगल में अभी सूखे का मौसम चल रहा है और कुछ दिनों बाद इस जंगल से सूखे का मौसम खत्म हो जाएगा, फिर हम सब पक्षी मिलकर इस जंगल में रहेंगे। पर मीनू चिड़िया, सूखे का मौसम खत्म होने के बाद जब हम इस जंगल में रहेंगे तो हमें दोबारा से अपने लिए घोंसला और घर बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बहन, वे तो हमें लाजमी बनाना ही होगा। अगर हम घोंसला और घर नहीं बनाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? दूसरी तरफ वे सभी उल्लू खूब मजे से उस जंगल में रह रहे होते हैं और सभी उल्लू उस जंगल में खूब मजे से सो रहे होते हैं, क्योंकि सभी उल्लू दिन में सोते और रात में जागते थे। एक दिन उस जंगल में काले काले बादल छा जाते हैं और उस जंगल में खूब जोरों शोर से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि सभी उल्लू परेशान आ गए थे कि इस तेज बारिश में वे सभी उल्लू आखिर जाएं तो कहां जाएं? कितनी ज्यादा तेज बारिश हो रही है, हम इस बारिश के मौसम में कहां जाएंगे? अभी हम अपनी गुफा में होते तो हमें इस बारिश की कोई चिंता नहीं होती। इस बारिश ने तो हमें परेशान कर रख दिया है। उल्लू भाई, मैं क्या कहता हूँ, जब तक बारिश नहीं रुकती हम वापस अपनी गुफा में चले जाते हैं और बारिश रुकने के बाद हम सब उल्लू वापस इस जंगल में आ जाएंगे। नहीं उल्लुओं, हम वापस अपनी गुफा में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारी गुफा में जंगल के सभी पक्षी रह रहे हैं। सभी उल्लू बारिश की वजह से बहुत ज्यादा परेशान आ गए थे। बारिश भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जा रही थी और कुछ ही देर में जंगल में सैलाब आ जाता है। पूरे जंगल में पानी ही पानी हो जाता है और पूरा जंगल आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूब रहा था। वे सभी उल्लू भी सैलाब देखकर बहुत ज्यादा परेशान आ गए थे। बारिश आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ी ही जा रही थी और जंगल में सैलाब बढ़ता ही जा रहा था। जंगल में बढ़ते हुए सैलाब की वजह से सभी उल्लू उस सैलाब के पानी में डूब जाते हैं और वे सभी उल्लू उसी समय मर जाते हैं। उन सभी उल्लुओं को अपने किए की सजा मिल जाती है और वे सभी उल्लू उस सैलाब के पानी में डूबकर मर जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जंगल के सभी पक्षी खूब आराम से उस गुफा में रह रहे होते हैं। कुछ ही दिनों बाद उस जंगल में से सूखे का मौसम चला जाता है और वे जंगल दोबारा से हरा भरा हो जाता है और सभी पक्षी अपने अपने घोंसले बनाकर उस जंगल में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों के साथ गलत करते हैं तो हमारे अपने साथ भी गलत ही होता है, और अगर हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। दूर किसी जंगल में कुछ अनेक प्रकार के पक्षी रहते थे। उस जंगल में सभी पक्षी बहुत ईमानदार और मेहनती थे। उसी जंगल में एक मीनू चिड़िया भी रहती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थी। मीनू चिड़िया बहुत मेहनती थी और वे जंगल के सभी पक्षियों की बहुत मदद भी करती थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत ही कामचोर था। कालू कौवा बहुत ज़्यादा आलसी था। बस पूरा दिन कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा आराम ही करता रहता था।
फिर एक दिन मिट्टू तोता मीनू चिड़िया के पास आता है और मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, मैं अभी बादलों के पास गया था। बादल भैया ने मुझे कहा कि कुछ दिनों के बाद हमारे जंगल में बहुत ही तेज बारिश होने वाली है। अभी तक हम लोगों ने अपने घर नहीं बनाए हैं। मीनू चिड़िया, तुम सभी पक्षियों को जाकर जमा करो और उन सब पक्षियों से कह दो कि सारे पक्षी मिलकर जल्दी से अपने अपने घर बना लें, ताकि बारिश के दिनों में हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और बारिश के दिन हमारे बिल्कुल आराम से कट जाएं। तो फिर चलो मिट्टू तोते, हम लोग जल्दी से सारे पक्षियों को जमा कर लेते हैं और उन सभी पक्षियों को बता देते हैं कि कुछ दिनों के बाद हमारे जंगल में बहुत ही तेज बारिश होने वाली है, जिसकी वजह से हम सब पक्षी जल्दी से अपने अपने घर बना लें। फिर मीनू चिड़िया और मिट्टू तोता सारे पक्षियों को जमा करने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया और मिट्टू तोता जंगल के सभी पक्षियों को जमा कर लेते हैं। मीनू चिड़िया, क्या हुआ, तुमने हम सभी पक्षियों को यहाँ पर बुलाकर क्यों जमा किया है? पक्षी मंडल, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी मिट्टू तोता बादलों के पास गया था। बादलों ने मिट्टू तोते से कहा कि कुछ दिनों के बाद हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है और अभी तक हम सभी पक्षियों ने अपने पक्के घर नहीं बनाए हैं। मैंने बस तुम लोगों को यहाँ पर यही बताने के लिए बुलाया है कि हम सभी पक्षी बारिश से पहले पहले ही अपने पक्के घर बना लेते हैं। हाँ मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, हमें अपने पक्के घर बना लेने चाहिए। तो फिर चलो पक्षियों, हम सभी पक्षी मिलकर अपने अपने लिए लकड़ियाँ ढूंढ लेते हैं और फिर हम उन लकड़ियों से अपने मजबूत घर बना लेंगे। इस जंगल में कितनी बारिशें होती हैं और अब मुझे लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ेंगी। अगर मैंने लकड़ियाँ नहीं ढूंढी तो पिछले साल की तरह इस बार भी मेरे परिवार को बारिश में भीगना पड़ेगा। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, जब सारे पक्षी अपने लिए लकड़ियाँ ढूंढ लेंगे तो मैं रात को किसी भी पक्षी के घोंसले में जाऊंगा और उसकी सारी लकड़ियाँ चुरा लूंगा और मैं उस लकड़ी से अपना एक मजबूत सा घर बना लूंगा। मेहनत करने से तो अच्छा यही है कि मैं किसी भी पक्षी की लकड़ियाँ चुरा कर अपना मजबूत सा घर बना लूं। पक्षियों, मैं तुम लोगों के साथ लकड़ियाँ ढूंढने आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे एक मामा जी हैं, उनका बहुत बड़ा लकड़ियों का कारोबार है। मेरे मामा जी मुझे मुफ्त की बहुत सारी लकड़ियाँ दे देंगे। इसीलिए पक्षियों, मैं तुम लोगों के साथ लकड़ियाँ ढूंढने आने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। कैलू जी, जहाँ तक मुझे पता है आपके ऐसे कोई भी मामा जी नहीं हैं जिनका लकड़ियों का कारोबार हो। रानी, तुम मेरे घोंसले में चलो, वहाँ जाकर मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। फिर कालू कौवा और रानी कौवी अपने घोंसले की तरफ चले जाते हैं और जंगल के सभी पक्षी लकड़ियाँ ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कैलू जी, अब तो हम अपने घोंसले में आ गए हैं, अब तो बताइए कि आपके ऐसे कौन से मामा जी हैं जिनका लकड़ियों का कारोबार है। रानी, मेरे ऐसे कोई भी मामा जी नहीं हैं जिनका लकड़ियों का कारोबार हो, वो तो मैं पक्षियों के सामने बस ऐसे ही बोल रहा था। मेरे दिमाग में एक योजना आई है। देखो रानी, जब सभी पक्षी अपने लिए लकड़ियाँ जमा कर लेंगे तो मैं रात को जाकर किसी भी पक्षी की लकड़ियाँ चुरा कर ले आऊँगा और उन लकड़ियों से मैं अपना एक मजबूत सा घर बना लूँगा। कैलू जी, तुम हर बार चोरी करते हो और फिर पकड़े भी जाते हो। अगर तुम इस बार पकड़े गए ना तो हमें बारिश में भीगना पड़ेगा। इसीलिए मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि तुम जाकर मेहनत से लकड़ियाँ जमा कर लो। कालू कौवा रानी कौवी की बात नहीं मानता और वे पक्षियों की लकड़ियाँ चोरी करने का ही सोचता है। शाम हो जाती है, सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में काफी सारी लकड़ियाँ जमा कर ले आए होते हैं। चलो मैं अपना घर बनाना शुरू कर देती हूँ, बारिश का कुछ नहीं पता है कि कब बारिश होना शुरू हो जाए, इसीलिए मैं अभी से ही अपना घर बनाना शुरू कर देती हूँ। फिर मीनू चिड़िया अपना घर बनाना शुरू ही करती है कि मीनू चिड़िया देखती है कि मीनू चिड़िया की सारी लकड़ियों में तो कीड़े लगे हुए होते हैं। मेरी सारी लकड़ियों में तो कीड़े लगे हुए हैं, अगर मैंने इन लकड़ियों से अपना घर बना लिया तो जल्द ही मेरा घर टूट कर गिर जाएगा।
मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं इन लकड़ियों से अब अपना घर नहीं बनाऊंगी। वैसे भी अब रात होने वाली है, सुबह होते ही मैं ये सभी लकड़ियाँ फेंक आऊंगी और इनकी जगह मैं अपने लिए कोई नई लकड़ियाँ ढूंढ कर ले आऊंगी और फिर मैं उन लकड़ियों से अपना एक मजबूत सा घर बना लूंगी। फिर रात हो जाती है। रानी, मेरे समझ में नहीं आ रही है कि मैं जाकर किस पक्षी की लकड़ियाँ चुराऊं। कैलू जी, मैं तो कहती हूँ तुम जाकर मीनू चिड़िया की लकड़ियाँ चुरा लो। मीनू चिड़िया बहुत मेहनती है, वे दोबारा से अपने लिए कोई नई लकड़ियाँ ढूंढ लेगी। ठीक है रानी, अगर तुम कहती हो तो मैं जाकर मीनू चिड़िया की लकड़ियाँ चुरा कर ले आता हूँ। फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया की लकड़ियाँ चुराने के लिए वहाँ से चला जाता है। अरे वाह भाई, मीनू चिड़िया ने तो बहुत सारी लकड़ियाँ जमा की हैं। इन लकड़ियों से तो मैं अपना बड़ा सा मजबूत सा घर बना लूंगा। मीनू चिड़िया की आँख खुले इससे पहले मैं ये सारी लकड़ियाँ ले जाकर अपने घोंसले में रखाता हूँ और फिर सुबह होते ही मैं अपना मजबूत सा घर बनाना शुरू कर दूंगा। कालू कौवे को ये नहीं पता होता कि मीनू चिड़िया की लकड़ियों में कीड़े लगे हुए हैं और फिर कालू कौवा वे लकड़ियाँ लेकर अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। सुबह हो जाती है, मीनू चिड़िया भी उठ जाती है। ये क्या, मेरी लकड़ियाँ कहाँ गई? लगता है रात में काफी तेज हवाएं चल रही होंगी जिसकी वजह से मेरी लकड़ियाँ इधर उधर कहीं उड़ गई होंगी। चलो वैसे भी कोई बात नहीं, मुझे वे कीड़ों वाली लकड़ियाँ फेंकनी ही थी। चलो मैं जाती हूँ और मैं जाकर अपने लिए कोई नई लकड़ियाँ ढूंढ लेती हूँ। रानी, चलो अब सुबह हो गई है, हम दोनों मिलकर इन लकड़ियों से अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। फिर रानी कौवी और कालू कौवा उन लकड़ियों से अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह हो जाती है, कालू कौवे और रानी कौवी ने अपना एक बड़ा सा घर बना लिया होता है और अब तो उस जंगल में सभी पक्षियों ने अपने मजबूत से घर बना लिए होते हैं और मीनू चिड़िया ने भी अपना एक मजबूत सा घर बना लिया होता है। लेकिन कालू कौवे का घर कभी भी गिर सकता था क्योंकि कालू कौवे ने उन कीड़े वाली लकड़ियों से अपना घर बनाया था। फिर अगले दिन काफी तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। सभी पक्षी आराम से अपने घर में बैठे हुए होते हैं और वे कालू कौवा और रानी कौवी भी आराम से अपने घर में बैठे हुए होते हैं। देखा रानी, इस बार मैंने तुम्हें बारिश से भीगने से बचा लिया है। मैंने ये कितना मजबूत घर बना लिया है और मैंने मीनू चिड़िया की लकड़ियाँ चोरी करी, ये बात तो अभी तक किसी भी पक्षी को नहीं पता चली। मैंने बोला था ना तुम्हें रानी, इस बार कालू तुम्हें बारिश में भीगने नहीं देगा। कालू कौवा ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है कि कालू कौवे का घर उन कीड़ों की वजह से बीच में से आधा आधा हो जाता है। कालू जी, ये बनाया है तुमने घर, ये घर कितना कच्चा बनाया था जो इस बारिश को बर्दाश्त ना कर सका और बीच में से आधा आधा हो गया। रानी, मैंने तो बहुत पक्का बनाया था इस घर को, पता नहीं ये घर इस बारिश की वजह से कैसे टूट गया। कैलू जी, तुम क्या कह रहे थे, इस साल तुम मुझे बारिश में भीगने नहीं दोगे? तुम्हारी बात पर तो मुझे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब तुम ही अपने इस टूटे फूटे घर में रहो, मैं चली अपने माँ के घर। इतना कहकर रानी कौवी अपनी माँ के घर चली जाती है। इस कहानी को देखकर हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करना एक बहुत बुरी बात है। डियर व्यूअर्स, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट कर बताएं कि आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।